नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नरेश कुमार इंदे है। मैं एक मनोचिकित्सक, सेक्स रोग तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ और आज हम बात करेंगे स्किजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के बारे में, इलाज के बारे में। हमने देखा है कि स्किजोफ्रेनिया के जो पेशेंट है, अगर किसी को स्किजोफ्रेनिया हो गया तो वह मरीज धीरे धीरे ठीक होता है, लंबे समय तक वह अच्छे से अपना काम करता है और बहुत बार फिर से उसको स्किजोफ्रेनिया या सेकंड एपिसोड जिसको बोलते हैं, यह सेकंड एपिसोड उसको हो सकता है। और पहले 5 साल जो पेशेंट के बीमारी की जो है, जहाँ से उसकी बीमारी शुरू हो गई थी, तो वहाँ से लेके 5 साल, तो उसमें जो पेशेंट का कोर्स है बीमारी का, वह किस तरह से रहेगा, पेशेंट कितना अच्छा हो सकता है, यह सब बातें फिर उससे हमें पता चलती है। अगर किसी मरीज में बार बार ऐसा होता है, बार बार उसकी तबीयत बिगड़ती है, इस तरह के जो साइकोटिक एपिसोड्स है, अगर यह बार बार हो रहे हैं, तो ऐसे में उसका जो बेसलाइन फंक्शनिंग है वह बिगड़ जाता है, वह नॉर्मल लेवल पे वह नहीं आ सकता। जैसे कि काम करना हो गया, या आपस में मतलब जो घर वाले हैं उनसे बात करना हो गया, या समाज में मिलना जुलना हो गया, तो कई तो भी उसका जो फंक्शनिंग है वह उतना नॉर्मल नहीं रहता, कई तो भी डिफेक्ट उसमें रह जाता, वो पूरी तरह से बहुत बार 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 ऐसा होने से अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि पेशेंट को जो इस तरह की एपिसोड्स है वह बार बार ना हो, और इसलिए जो ट्रीटमेंट पार्ट है, बराबर ट्रीटमेंट करना, यह बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। फिर स्किजोफ्रेनिया के जो पेशेंट है, बहुत बार उनको भर्ती करना पड़ता है, और भर्ती करने का जो कारण है कि जैसे डायग्नोस्टिक पर्टिकुलरली पर्पज जो रहता है कि पेशेंट का जो है निदान वह अच्छे से हो। फिर अगर किसी पेशेंट में कुछ सुसाइडल थॉट्स है या आत्महत्या के अलावा हत्या के विचार आ रहे हैं, तो पेशेंट की सेफ्टी के लिए हमें उसको भर्ती करना पड़ता है। फिर जो दवाइयां है वो दवाइयों के ऊपर वो स्टेबल हो जाए, उसके ऊपर वो एक मतलब उसका रूटीन अच्छे से वो उसका हो जाए, वो दवाई जो है वो उसको लागू हो जाए, इसके लिए भी हमें उसको भर्ती करना पड़ सकता है। अगर किसी मरीज में डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर है, उसका जो बर्ताव है या कुछ तो भी इनअप्रोप्रिएट है, मतलब वह खुद की देखभाल नहीं कर सकता, खाना नहीं खा सकता, तो ऐसी स्थिति में भी उसको भर्ती की ज़रूरत लग सकती है। अगर भर्ती करना है तो उसमें शॉर्ट टर्म हॉस्पिटलाइजेशन, एक अल्प कालावधि के लिए भर्ती करना, और लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन, एक ज़्यादा कालावधि के लिए भर्ती करना, यह पेशेंट के जो लक्षण है, जो बीमारी का स्वरूप है, उसके ऊपर निर्भर करता है। कभी कभी क्या होता है कि मरीज जो है बहुत ही वायलेंट हो जाता है, हिंसक हो जाता है, और उस एग्रेशन की वजह से उसको मतलब भर्ती करना आवश्यक हो जाता है। ऐसे में बहुत बार हम उनको भर्ती करके उनको कुछ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस उनको लगाते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो स्किजोफ्रेनिया की जो पेशेंट है, उनमें 2 तरह की ड्रग्स जो है वह मतलब उसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि एक ओल्डर कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स थे, जिसको फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक कहा जाता है, और अभी के जो नए ड्रग्स हैं उनको सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स कहा जाता है। पहले के जो पुराने ड्रग्स थे उनके थोड़े साइड इफेक्ट थोड़े ज़्यादा थे, और अभी के जो नए जो ड्रग्स हैं, जो सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स हैं, उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं यह बहुत ही कम है और उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पे हमें एक बात समझनी ज़रूरी है कि कोई भी एंटीसाइकोटिक्स जो ड्रग्स है हम जब शुरू करते हैं तो उसका इफेक्ट आने में टाइम लगता है, 4 से 8 हफ्तों तक का जो टाइम है यह इसमें लग सकता है। और जब एंटीसाइकोटिक ड्रग चालू करते हैं तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं, जैसे कि बहुत बार पेशेंट के हाथ जो है वह हिलते हैं, कपकपी हाथों में आती है, या लार गिरना रहता है, या मुंह सूख जाना रहता है, या किसी किसी पेशेंट का चलते वक्त बैलेंस चला जाता है, या किसी किसी को जो है नींद यह ज़्यादा लग सकती है, या किसी को नींद भी नहीं लग सकती है,
अगर इस तरह के जो लक्षण है, इस तरह के अगर साइड इफेक्ट्स पेशेंट में दिखते हैं, तो वो दवा का जो डोज रहते हैं उसको कम ज़्यादा करके मैनेज हम करते हैं, तो इसके लिए डरने की बात नहीं रहती है। एक थोड़ा सा टाइम लगता है, उसमें दवा का डोज थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया तो ये लक्षण भी फिर कुछ दिनों में चले जाते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि पेशेंट को दवा चालू करने के बाद उसका इफेक्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है और वह टाइम हमें देना पड़ेगा। कुछ मरीज जो रहते हैं उनको दवाओं के साथ जिस तरह से इम्प्रूवमेंट उनमें दिखनी चाहिए, जो सुधार उनमें दिखना चाहिए, तो वह नहीं दिखता है। ऐसे समय हमें जो ट्रीटमेंट प्लान है यह बदलने की ज़रूरत होती है। फिर हम जो अगला ट्रीटमेंट प्लान है उसमें इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसको शॉक ट्रीटमेंट बोलते हैं, इसका हम विचार कर सकते हैं। अगर पेशेंट में इम्प्रूवमेंट नहीं है और जिसके कारण उसको खुद को नुकसान हो सकता है या उसके कारण दूसरे को नुकसान अगर पहुंच सकता है, तो ऐसे इसमें ट्रीटमेंट का प्लान बदलना, दूसरे ऑप्शंस के लिए विचार करना जरूरी रहता। तो एक इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी एक अच्छा ऑप्शन इसमें है। स्किज़ोफ्रेनिया में जो दवाइयाँ हैं यह लंबे समय तक लेनी पड़ती हैं, और बहुत बार क्या होता है कि जो मरीज है यह लंबे समय तक दवाइयाँ लेने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसे इसमें हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि जो डेपो प्रिपरेशन रहते हैं जिनका असर एक लंबे समय तक चलता है, महीने भर तक चलता है, तो ऐसे डेपो प्रिपरेशन हम इन पेशेंट में हम दे सकते हैं। यह हो गया स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज उपचार के बारे में। और मानसिक स्वास्थ्य की संबंधी जो नई नई जानकारियाँ हैं यह हम आपको देते रहेंगे। बस आपको इतना करना है कि हमारे जो वीडियोज़ हैं उसको आपको लाइक करना है, उसको शेयर करना है और हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।